सुप्रभात बच्चों, पार्ट पांच मिठाई वाला के भाग दो में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने भाग एक पढ़ा था मिठाई वाला का। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग दो, जो मैंने ऊपर आप लोगों को लिख दिया है और कुछ नए शब्दार्थ भी हैं जो पिछले वीडियो में नहीं थे। बचे हुए जो उसके शब्दार्थ है वो मैंने लिख दिया। ये शब्दार्थ बहुत ही जरूरी है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। असाइनमेंट में जो आप लोग का शब्दार्थ दिए हुए हैं वो यही सब शब्दार्थ है, तो आप लोग इसको अगर उतार लीजिएगा तो आपको वहां पे ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, आराम से बन जाएंगे। और दूसरी बात, शब्दार्थ को अगर आप समझिएगा तो मैं जो कहानी आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, उसे समझने में भी आप लोगों को बहुत ही सहायता मिलेगी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, मिठाई वाला यानी कि एक फेरी वाली की कहानी थी। अभी तक की कहानी में हम लोगों ने पढ़ा कि जो फेरी वाला है वो खिलौने और बांसुरी यानी मुरली ये दो चीज लेकर बेच चुका है। अब आगे देखिए वो बच्चों वो क्या क्या फेरी में लेकर आता है वो हम लोग देखते हैं। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम तो ये ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक की है। अब बच्चे को वो मिठाई वाला जो है वो बड़ी ही मुरली को बच्चों को आकर्षित कर रहा है अपनी ओर और कह रहा है कि बहुत ही अच्छी मुरली है, ले लो रंग बिरंगी मुरलियां है, नारंगी रंग की अच्छी है वही ले लो, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए। और इस तरह से वो बच्चों को आकर्षित कर रहा है, रंग बता बता कि किसी को लाल दे रहा है, किसी को नारंगी, किसी को हरा, तो किसी को पीला। अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है सो देखो, तुमसे पैसे नहीं मिले तो अम्मा अब ये सभी को एक एक करके सबको बोल रहा है कि मुरली लीजिए और पैसे दीजिए। इस तरह से हो गया सबका। अब देखिए अब दूसरी बार अब क्या हो रहा है, आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें को सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया, फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न करा सो थोड़ा। रोहिणी जो विजय बाबू की पत्नी और चुन्नी मुन्नू की माँ है वो मुरली वाले की सारी बातें सुन रही है और वह अंदर से ये सारी बातें सुन रही है और वो कह रही है कि बेचारे फेरी वाला जो है वो तरह तरह के सामान को लेकर आता है और दाम भी कितना सस्ता रखता है, वो सब अभी अपने पेट के लिए करता है, पेट जो न करा दे आदमी से वो बहुत ही कम ही है। इसी समय मुरली वाले का चिप्स और दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ने लगा, बच्चे को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया, धीरे धीरे स्मृति भी छीन होती चली गई। स्मृति मतलब याद होता है, छीन मतलब धुंधला होना, दूर होना, उजड़ होना। अब रोहिणी जो है वो मुरली वाले को याद कर रही है, लेकिन महीनों के महीने बीत गए हैं लेकिन अब तक मुरली वाला आया नहीं है इस तरह। और रोहिणी को उसकी वही बातें याद है जो वह बच्चों से स्नेह भरे प्रेम भरे बातें किया करता था, बच्चों को बहलाया करता था, बच्चों को खुश किया करता था, वो सारी बातें रोहिणी को याद आ रही है। अब देखिए 8 महीने बाद क्या होता है, पिछली बार कितने महीने बाद आया था, 6 महीने बाद, और इस बार 8 महीने बाद वो आता है। सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अपने बाल को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। सबसे अंत में क्या लेकर आया बच्चों, मिठाई लेकर आया मिठाई वाला। अब वो मिठाई वाला बनकर आया है, पहले खिलौने वाला, फिर मुरली वाला और अब मिठाई वाला बनकर आया है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई, उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, हाँ उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नी मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर से आऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओर से बैठी रहूंगी। रोहिणी कहती है, उस समय पे रोहिणी के पति जो विजय बाबू थे वो उनके मकान में नहीं थे और वह अपनी दादी को कहती है कि दादी थोड़ा सा बुलाइए मिठाई वाले को ताकि मैं भी अपने चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लूंगी। उस समय रोहिणी कहती है कि मैं चिक्के पीछे से, यानी कि कोई व्यक्ति अगर दरवाजे पर नहीं होगा गांव मतलब मोहल्ले का, तो मैं चिक्के पीछे से देखती रहूंगी। उस समय में महिलाएं जो थी वो पर्दे के अंदर रहा करती थी, पर्दे से बाहर नहीं आती थी। और रोहिणी अपनी दादी से कहती है कि थोड़ा मिठाई वाले को बुलाइए, मुझे बच्चों के लिए मिठाई लेनी है, चुन्नू मुन्नू को मिठाई बहुत
बहुत पसंद है। और वो चिक के पीछे, यानी चिक जिसको हम पर्दा कह सकते हैं, मोटा से पर्दा था लगा हुआ गेट पर, तो उसी के पीछे से वो खड़ी होकर देखती थी। पहले की महिलाएं जो होती थी वो पर्दे में रहा करती थी, पर्दे से बाहर नहीं आ करती थी, बाहर नहीं निकला करती थी तो लंबी लंबी घूंघट डाला करती थी। लेकिन आज समाज बदल चुका है, आज की महिलाएं इतना पर्दा पसंद नहीं करती, और फिर पर्दे में रहना जो है वो एक कुप्रथा को दर्शाता है कि जब पुरुष और महिला जब दोनों समान है तो फिर पुरुष अगर पर्दे में नहीं रहेंगे तो महिलाएं पर्दे में क्यों रहेंगी। उन्हें भी जीने का, पढ़ने का, लिखने का, समाज में अपने अपना स्थान पाने का पूरा हक है। इसलिए महिलाएं जो है इस प्रथा को, इस पर्दा प्रथा को ही समाप्त कर चुकी है। लेकिन उस समय ये पर्दा प्रथा थी। अब देखिए आगे क्या होता है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। दादी जो है वो जाती है और मिठाई वाले को कहती है कि मिठाई वाला इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, इतनी मिठाई दूंगा, ये नए तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से इसे खाते हैं। मिठाई वाला कहता है कि अम्मा कितनी मिठाइयां दे दूं, ये मिठाई जो है वो बड़ी ही नई किस्म की है, रंग बिरंगी मिठाइयां है, कुछ खट्टी है कुछ कुछ मीठी है और जायकेदार मिठाई है, यानी कि स्वादिष्ट मिठाई है, और बच्चे जो है इसे बहुत पसंद करते हैं, और मिठाई जो है वो बहुत देर तक मुंह में घुलती नहीं है, यानी कि धीरे धीरे घुलती है, जो बच्चों को ज्यादा पसंद आती है। इसको ऐसे टॉफी देख लीजिए बच्चों, टॉफी जो है वो क्या होती है, धीरे धीरे मुंह में घुलती है, यानी कि बच्चे जो है एक टॉफी 5-10 मिनट तक अपने मुंह में रखा करते हैं, 5-10 मिनट तक उनका पूरा मुंह जो है वो मीठा मीठा रहता है, ठीक है। इसलिए वो बच्चे जो क्या करते हैं, टॉफी को ज्यादा पसंद करते हैं। उसी प्रकार मुरली वाला भी, मिठाई वाला जो है वो दादी माँ को समझा रहा है कि मिठाई जो है वो बहुत ही अच्छी मिठाई है और बच्चे इसे बहुत देर तक मुंह में रखेंगे, और खट्टी मीठी बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है, बच्चे बड़े ही इसे पसंद करेंगे। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, कितनी दूर, चपटी गोल पहल गोलियां, कैसे पैसे की 16 देता हूँ, 1 पैसे की 16। चपटी कुछ चपटी मिठाइयां थी, कुछ गोल मिठाइयां थी, और 1 पैसे की 16 मिठाइयां वो दिया करता था, यानी तो जिसे आप लोग टॉफी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो खांसी के दवाई में, मतलब बोला खांसी में भी आराम होगी, यानी कि उस मिठाई बनाने का जो स्प्रे था वो उसमें गुणकारी कुछ तत्व मिले हुए थे जिससे जो खांसी में भी आराम होता। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे दे। मिठाई वाला, नहीं नहीं अधिक नहीं ले सकता, इतना भी देता हूँ, अभी तुम्हारे अभी मैं तुम्हें क्या बताऊ, अधिक ही दे रहा हूँ। अब मिठाई दादी माँ क्या कहती है कि 1 पैसे में 16 नहीं, कम से कम 25 देते तो ठीक रहता। तो मिठाई वाला कहता है कि नहीं दादी, 1 पैसे में 16 दे रहा हूँ, ये भी बहुत ज्यादा है, इतने इतना कौन देता है, इतना नहीं कोई देता, इतना सिर्फ मैं ही बेचता हूँ। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ते दे रहा है, 4 पैसे की ले लो या पैसे ले। रोहिणी पीछे से सब बातें सुन रही थी चिक से, वो अचानक अपनी दादी को टोकती है और कहती है कि दादी फिर भी ये बहुत ही सस्ती मिठाइयां दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, बच्चे बड़े ही चाव से खाएंगे। कहते हुए दादी के पास मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली, तो 4 ही दे दो, अच्छा 25 नहीं 20 दे ही दे दो, अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई मोल भाव और मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। दादी हंसकर उस मिठाई वाले को कहती है कि ठीक है 4 पैसे की दे दो, 20-25 नहीं दोगे तो कम से कम 20 ही दे दो, और हंसके मुस्कुरा के कहती है कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे मोल भाव करना कहाँ आता है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। दादी रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो इस शहर में कौन कहाँ से आता है, यहाँ के निवासी तो है नहीं है। दादी से पूछती है कि बताओ मुरली मिठाई वाले, तुम किस शहर से आते हो, तुम यहाँ के निवासी तो नहीं रहते। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार यही और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आग से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे और या फिर कोई और चीज लेकर। मिठाई वाला हर सरसे और विस्मयादी भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे ही पहले खिला। जब रोहिणी पूछती है कि इनका घर कहाँ है, इसे पूछो, तो मिठाई वाला कहता है कि मैं इससे पहले भी बहुत बार फेरी में आ चुका हूँ। रोहिणी कहती है कि हाँ इससे पहले क्या बेचने आप आए थे, तो वही मिठाई वाला कहता है कि मुरली और खिलौने लेकर, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, वो तरह तरह के सामान लेकर आता है।
अब रोहिणी कहती है, रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे भी और भी बातें पूछने के लिए अस्थिर उठी और बोली, इन व्यवसायों से पहले तुम्हें क्या मिलता है। अब रोहिणी को पूरा यकीन हो गया था कि ये वही व्यक्ति है जो इससे पहले खिलौने और मुरली लेकर आया था, और वह उससे पूछ ही बैठती है क्योंकि रोहिणी को पता था कि ये बहुत ही सस्ते दामों में बेचता है सामान। तो रोहिणी उससे पूछते है कि तुम्हें ये पैसे में बेचने से क्या फायदा मिलता है। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता हूँ। मुस्कुराकर मुरली वाला कहता है मिठाई वाला कि मुझे कुछ नहीं मिलता है, बस खाने पीने के लिए थोड़े थोड़े से मिल जाते हैं जो जिसे मैं खा लेता हूँ, कभी कभी नहीं भी हो पाता है, खाने का भी नहीं हो पाता है क्योंकि उसकी जो लागत रहती है उसको लग जाती है, लेकिन हाँ मुझे असीम संतोष मिलता है, यानी कि मन में शांति मिलती है, और जो उसे चाहिए, जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए मिठाई वाले को, वो है शांति सुख जो उसे मिलती है। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्या चर्चा करूं, उन्हें आप जानने ही दो, यह बातें को सुनकर आपको दुखी होगा। रोहिणी पूछती है कि बताइए सुख शांति कैसे आपको मिलती है। मिठाई वाला बोलता है कि उन बातों को जानकर आप क्या कीजिएगा, आपको उन बातों से तकलीफ होगी, आप मत सुनिए उन बातों। जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत ही उत्सुक हूँ तुम्हारे लिए जानने के लिए। अब रोहिणी मिठाई वाले से जिद करने लगी कि नहीं, जब इतनी सारी अपने बारे में बातें बतानी दिए हो तो और भी बातें बता दो, मैं उत्सुक हूँ, यानी कि जानने के लिए मैं बहुत ही अग्रसर हूँ, तुम्हारी बातों को जानने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ, जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे विषय में तुम्हारी दशा क्यों है, तुम ऐसा क्यों करते हो। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ी, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे। अब मिठाई वाला अपनी आपबीती, यानी कि जो उसकी खुद की जिंदगी से घटित कहानी होती है, वह उसे रोहिणी को बताता है और कहता है कि मैं एक अपने गाँव का प्रतिष्ठित व्यक्ति, यानी कि प्रतिष्ठित का मतलब होता है जो एक इज्जतदार आदमी होता है उसे प्रतिष्ठित व्यक्ति कहा जाता है। तो वो कहता है कि मैं बहुत ही प्रतिष्ठित अपने गांव का व्यक्ति था, मेरे पास ही मकान थे, यानी बड़े बंगले थे, व्यवसाय था यानी व्यापार था, वो नौकरी करता था, गाड़ी घोड़े बंगले सब कुछ थे, नौकर चाकर थे, एक मतलब एक पत्नी थी और दो छोटे छोटे मेरे भी बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, उनकी अटखेलिया के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, समय की गति विधाता की लीला अब कोई नहीं है। कहता है मिठाई वाला कि मेरी दुनिया जो थी वो बहुत ही सुंदर दुनिया थी, बड़ी सुंदर पत्नी थी, बड़े सुंदर सुंदर बच्चे थे, मैं बहुत ही सुखी था, मैं अमीर भी था और मेरे घर में भी खुशियां फैली हुई थी, लेकिन विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं बदल सकता है। अचानक एक हादसे में सारे मेरा पूरा परिवार, मेरा व्यवसाय, मेरा घर मकान, मुझे सब दूर हो गया, यानी सब कुछ मुझसे छीन गया। दारी प्राण निकाले तो नहीं निकले, इसलिए उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे, उस तरह रहता और घुल मिल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। अब वो हर बच्चे में अपने बच्चे को ढूंढता था, इसलिए वो बच्चों की सामग्री लेकर आता था और बड़े बच्चे को बड़े ही सस्ते दाम में बेचा करता था। दादी को कहता है कि दादी अपने मतलब मैं जानबूझ के मरना नहीं चाहता हूँ, प्राण अपने कैसे निकालूं, लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती है, मैं उन्हें बहुत ही याद करता हूँ और बहुत ही दुखी होता हूँ, इसलिए मैं बच्चों की सामग्री को बेचता हूँ और बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी को ढूंढता हूँ, और मुझे लगता है कि इन्हीं नन्हे नन्हे बच्चों के कहीं मेरे भी दोनों बच्चे होंगे, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। और इस तरह के जीवन में कभी कभी उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वे इन्हीं में उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं, पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पास जाता हूँ। और वो दादी को कहता है कि दादी मुझे, मैं पैसों के लिए नहीं कमाता हूँ, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन जब बच्चे उछल कूद के मेरे साथ खेलते हैं और मेरे सामान लेते हैं तो मुझे लगता है इन्हीं बच्चों कहीं मेरे दोनों भी बच्चे होंगे, और मुझे बहुत ही संतोष और सुख मिलता है, यही संतोष और सुख की बात वो पहले भी कर रहा है। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से निपट कर उनका आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की दो पुड़िया मिठाई वाले मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे।
रोहिणी जब इनकी कहानी सुनी मिठाई वाले की तो उसकी आंखें भर आई, बहुत ही दुखी हो गई। उसकी जो कहानी थी बहुत ही मार्मिक थी, इतनी बड़ी घटना उसके जीवन के साथ घटी थी और फिर भी वो व्यक्ति जो था वो दूसरों को इतना प्यार, दूसरों को इतना मान सम्मान और दूसरों के लिए इतना समर्पित था, यह देखकर रोहिणी की आंखें भर आई। और वो उसी समय उसके जो बच्चे थे चुनू और मुन्नू दौड़ कर आते हैं और रोहिणी से निपट जाते हैं और कहते हैं अम्मा मुझे मिठाई दो। तो मिठाई वाला क्या करता है, दो छोटी छोटी पुड़िया बनाता है और कहता है बच्चों को कि आओ बच्चों मुझसे मिठाइयां ले लो, और बच्चों को मिठाई की पुड़िया आगे बढ़ाता है। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा अब इन बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली अरे ले ले ना, पैसे पैसे लेता चला है। जब चुन्नू मुन्नू को वो दो मिठाई की पुड़िया मिठाई वाले ने दी तो रोहिणी अंदर से चीख के अंदर से पैसे को फेंक कर दे दी और बोली कि ये पैसे ले लीजिए जो आपने बच्चों को मिठाई दी है। अब मिठाई वाला कहता है कि अब इस बार की मिठाई की मैं पैसे नहीं लूंगा। दादी कहती है कि ले लो भाई, तुम तो बेचने के लिए निकले हो ना, तो ले लो मिठाई के पैसे। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर मैं बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, और तब तक वो मिठाई वाला जो था वो आगे निकल चुका है और फिर से वही मादक स्वर यानी मधुर स्वर में गा रहा है बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला पैसे नहीं लेता। अब बच्चों आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि मिठाई वाले जब मिठाई ही बेचने के लिए निकला है तो बाद में वो मिठाई के पैसे क्यों नहीं ले जाता। तो बच्चों यही उस फेरी वाले की खूबी थी कि वो हर चीज की तुलना पैसे से नहीं किया करता था, क्योंकि जब वो चुन्नू मुन्नू के हाथों में जब वो छोटी छोटी सी मिठाई की पुड़िया ले रहा था तो उसी के अंदर से एक खुशी निकल रही थी और उसे संतोष मिल रहा था। वो नन्हे बच्चों की जो मुस्कुराहट थी वो अपने अंदर मतलब उसे लग रहा था कि इन्हीं बच्चों में कहीं मेरे भी बच्चे होंगे, बच्चे की खुशी में ही अपनी खुशी को देख रहा था। और इसलिए अंत वाले जो बाद में उसने मिठाई दी थी बच्चों को उसके वो पैसे न दिया और बोला इनके मैं पैसे नहीं लूंगा। शायद आपके इसके पाठ के प्रश्न उत्तर में भी ये प्रश्न दिया हुआ है कि मिठाई वाले ने क्यों कहा कि अम्मा अब मैं पैसे नहीं लूंगा। तो आप समझ गए कि क्यों उसने कहा था ऐसा, क्योंकि उसे बच्चों को खुशी देने में बहुत ही खुशी मिलती थी और इसलिए वो बाद वाले पैसे मिठाई के पैसे नहीं लिया था। इस तरह से बच्चों मैंने आपका ये पाठ 5 मिठाई वाला पूरा कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इस पाठ को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा होगा, पढ़ा होगा जैसे मैंने पढ़ाया है। एक एक कहानी, एक एक जो इसके पैराग्राफ है उसको मैंने पढ़ के और अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। लगभग मैंने 10-15 शब्दार्थ भी लिख लिए हैं जो आप लोग उतार लीजिएगा तो आप लोगों को इसके असाइनमेंट या फिर इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है बनाने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। देखिए बच्चों आप लोगों का जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 2 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। मैं आशा करती हूँ कि इन सभी में से ही उसमें रहेंगे प्रश्न उत्तर। तो आप सभी पाठ जो पाठ 1 से लेकर पाठ 10 तक, ये जो आपके आपके पुस्तक के आधे पाठ आते हैं 1 से लेकर 10 तक, 20 पाठ है इसलिए मैंने उसको आधे में बांट दिया है, तो 1 से लेकर 10 तक होता है। तो 1 से लेकर 10 तक कुछ अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके प्रश्न उत्तर रहेंगे, उसमें कुछ इनर क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ बुक के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग इस कहानी को जैसे मैं पढ़ा रही हूँ इस वीडियो को देखिएगा, उसकी कहानी को समझिएगा और सारे असाइनमेंट को बनाइएगा, असाइनमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो बच्चों मैं आशा आप लोगों से जरूर करूंगी आप लोग इस असाइनमेंट को बना लीजिएगा, इसके प्रश्न उत्तर को बना लीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है बच्चों आगे मिलते हैं, तब तक के लिए